you. For latest videos of Radio Udaan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप जैसे कि जान ही रहे हो कि अब हम आजकल बहुत एडवांस चीज़ें सीख रहे हैं टेक्सिटी में। तो फिलहाल हम बातें कर रहे थे HTML की, और लेकिन आज हम बात करेंगे कुछ और हटकर। आज हम बात करेंगे कुछ ऐप डिज़ाइनिंग की। अब तक हमने वेब डिज़ाइनिंग की बात की है, वो भी हम करेंगे कंटिन्यू, लेकिन अगर एक साथ पूरा बता देंगे तो आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, मुझे पता है। तो हम आपको टाइम दे रहे हैं थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो जब हम बीच में कोई और शो करें, कोई और बात करें, तब तक आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है जो हम आपको पहले वाले शो में सिखाते हैं उसकी, ठीक है। चलिए, आज हम बात करेंगे ऐप डिज़ाइनिंग की, जो कि सूर्यकांता जी हमें बताएंगे। हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से चलते हैं सूर्यकांता जी की तरफ और देखते हैं कि वो हमें ऐप डिज़ाइनिंग कैसे बताते हैं, हम क्या वाकई में ऐप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। चलिए सुनते हैं सूर्यकांता जी को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सूर्यकांत, और आज आप पहुंचा हूं आपके फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पर, और आपके फेवरेट टेक शो टेक सिटी पर। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मुझे आप सबको बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि इस प्रोग्राम में आकर के मुझे बहुत खुशी हो रही है। और सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा, शुक्रगुजार हूँ मीनल मैम का कि उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में आने का मौका दिया और ये जो नॉलेज है आप सबके साथ शेयर करने का मौका दिया। और तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ रेडियो उड़ान की पूरी टीम का कि उन्होंने मुझे आप सब से रूबरू होने का मौका दिया। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूँ। दोस्तों, मैं सूर्यकांत बेसिकली बिलोंग करता हूँ जमशेदपुर इंडिया से, और पिछले 1.5 ईयर्स से प्रोबेशनरी ऑफिसर की भूमिका निभा रहा हूँ, एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देश के सबसे बड़े बैंक SBI में सर्विस दे रहा हूँ। दोस्तों, इसके अलावा मेरी बहुत सारी इंटरेस्ट्स हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स में चेस, क्रिकेट और म्यूज़िक में मैंने क्लासिकली ट्रेनिंग ली हुई है, मैंने क्लासिकल में विशारद कर रखा है, और 21 से भी ज़्यादा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर सकता हूँ, चाहे वो इंडियन हो या वेस्टर्न। और मेरी अपनी यूट्यूब चैनल भी है जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो दोस्तों, आज का ट्यूटोरियल होने वाला है बहुत ही स्पेशल। आप भी सोच रहे होंगे क्या है भाई इतना स्पेशल, तो वो जानने के लिए अंत तक इस ट्यूटोरियल को ज़रूर सुने। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग चाहते होंगे कि हम काश अपना ऐप डिज़ाइन कर पाते या अपनी एप्लीकेशंस बना पाते, क्योंकि रेडियो उड़ान की फीडबैक टीम को आप लिसनर्स के बहुत सारे मेल्स फीडबैक्स आए हैं कि आपको एप्लीकेशन डेवलपमेंट के ऊपर बहुत सारी क्वेरीज हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको सॉल्व करने हैं, और आपको एप्लीकेशन बनाने के लिए ट्यूटोरियल भी चाहिए थी। तो लीजिए, हाजिर हूँ मैं। तुमने पुकारा और हम चले आए। तो दोस्तों, आप सबके लिए हाजिर हूँ और आपके लिए लेकर के आया हूँ एप्लीकेशन ऐप डेवलपमेंट के ऊपर एक कमाल की ट्यूटोरियल। आप एक स्मार्टफोन से, अपने एंड्रॉयड फ़ोन से एक एक्सेसिबल ऐप एप्लीकेशन कैसे डिज़ाइन कर सकते हो, आज की ट्यूटोरियल में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो कहीं ना जाएं दोस्तों, बने रहें मेरे साथ, आपके अपने दोस्त सूर्यकांत के साथ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि मैं भी एक यूट्यूबर हूँ और मेरी एक यूट्यूब चैनल है टेक इन्फो विद सूर्यकांत। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को भी ज़रूर विज़िट कीजिए, वहाँ पर मैं आपके लिए अच्छी अच्छी मज़ेदार ट्यूटोरियल्स बनाता रहता हूँ एंड्रॉयड, विंडोज़ और आईफोन से रिलेटेड। तो एक बार मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा, चैनल का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में या शो कार्ड्स में जाकर के भी आप मेरे चैनल को एक्सेस कर सकते हो। तो दोस्तों, APK डेवलपमेंट के अलावा आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको डेमोंस्ट्रेशन देने वाला हूँ दो नए और बहुत ही कमाल के एप्लीकेशंस के ऊपर, जो कि एक विजुअली इम्पैर्ड यूज़र के लिए बहुत ही
यूज़फुल है, तो उन दोनों एप्लीकेशन के ऊपर मैं आप सबको रिव्यू देने वाला हूँ। तो उससे पहले हम एपी के डेवलपमेंट सीख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। दोस्तों यूँ तो एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए आपको काफ़ी नॉलेजेबल होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपको कंप्यूटर लैंग्वेजेस, मशीन लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल HTML, Fortran, C++, जावा स्क्रिप्ट वगैरह की। और इसके अलावा आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस यानी मैथमेटिक्स आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। ओवरऑल आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और एक अच्छे मैथमेटिशियन आप होने चाहिए, तभी आप एक प्रोग्राम या एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकते हो। मगर आप में से बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो ये सारे कोर्सेज अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर टाइम का क्राइसिस है, या और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, निजी परेशानियां, घर की पर्सनल, तो उनके वजह से आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। तो घबराएं नहीं, आपके लिए ही मैं ये ट्यूटोरियल लेकर के आया हूँ। तो जो इन कोर्सेज को अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए मैं आज एक ऐसी वेबसाइट बताने जा रहा हूँ जिस वेबसाइट के थ्रू आप एक बेसिक एंड्रॉयड ऐप बना सकते हो। जी हाँ दोस्तों, एक बेसिक एंड्रॉयड ऐप जिसके अंदर आप चैट रूम दे सकते हो, आप लिंक्स दे सकते हो, यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स, अपने वेबसाइट्स वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हो, और एक बढ़िया सा एप्लीकेशन आप रेडी कर सकते हो इस वेबसाइट के बदौलत। तो दोस्तों उस वेबसाइट का नाम है appcreator24.com, दैट इज appcreator24.com। जी दोस्तों, तो चलते हैं उस वेबसाइट पर। मैं ब्राउजर यूज करता हूँ क्रोम, क्रोम पे चलता हूँ। तो हम क्रोम पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने सर्च कर रखा था, इस पर डबल टैप कर दिया मैंने, लोड हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम इस वेबसाइट के होम पेज पर आ चुके हैं, और यहाँ पर हमें अपनी मेल आईडी और पासवर्ड डालनी है। जी दोस्तों, यहाँ ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के हमें साइन इन करनी है, तभी हमें ये वेबसाइट एक्सेस देगा एक ऐप क्रिएट करने के लिए। और जो लोग पहली बार इस वेबसाइट को विज़िट करेंगे उनके लिए मैं बता दूं कि आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा, जिसमें आपको आपके आपका नाम या फिर आपकी कंपनी का नाम, आपकी ईमेल आईडी और साथ ही अपना पासवर्ड इस वेबसाइट के लिए, और कंफर्म पासवर्ड के लिए अगर पूछता है तो आप कंफर्म कर देंगे और क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। तो वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये जो डर्मडिल्टा अंडरस्कोर एन टॉकबैक पड़ रहा है, ये क्रिएट अकाउंट लिंक है, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो वो नई वेब पेज खुलेगी, वहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स फीड करनी है। तो दोस्तों फिलहाल हमने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, मेल डालता हूँ मैं। जी हाँ, सक्सेसफुली मैंने ईमेल डाल दी है। नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर पासवर्ड डालता हूँ। गो पर क्लिक करता हूँ। बहुत ही अच्छे से हमने सक्सेसफुली साइन इन कर लिया है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या ऑप्शन है। तो साइट लैंग्वेज इंग्लिश है, सही है। दोस्तों ये लॉग आउट बटन है, लॉग आउट लिंक है। जब भी आप अपनी काम फिनिश कर लें, अपनी वर्क फिनिश कर लें, तो इस लिंक पर आप क्लिक करके इस साइट से लॉग आउट कर सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, फिलहाल हमें क्रिएट ऐप लिंक चाहिए, तो स्वाइप करता हूँ मैं। ये हमें मिल चुका है क्रिएट ऐप, इस पर डबल टैप कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमें अगली पेज मिल चुकी है, यहाँ पर हमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन डालना है अपनी ऐप की, देखते हैं। तो दोस्तों एक टिप देना चाहूंगा आप सबको कि जब भी इस वेबसाइट को आप विजिट करें तो आपके पास ऑटो TTS होना बहुत ही जरूरी है, और आपको ऑटो TTS कॉन्फ़िगर करके रखना होगा। यूं तो मैं एलिक्वेंस ही यूज़ कर रहा हूं, और आप भी एलिक्वेंस यूज़ कर सकते हैं, मगर ऑटो TTS के थ्रू आपको यूज़ करना होगा। अगर आप सिर्फ एलिक्वेंस TTS से इस वेबसाइट को विज़िट करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगा काफ़ी जगह रीड करने में। ऑटो TTS के साथ आपको इस वेबसाइट को यूज़ करना है और ऐप क्रिएट करना है। दोस्तों बताना चाहूँगा इस ट्यूटोरियल में मैं आपको सिर्फ एक बेसिक ऐप डिज़ाइन करने के बारे में बता रहा हूँ। एक टेक्स्ट ऐप हम डिज़ाइन कर रहे हैं, और इस ऐप को आप मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, एडिट कैसे कर सकते हैं, और अपनी बनाई हुई एप्लीकेशन के अंदर आप चैट रूम कैसे लगा सकते हैं, या फिर अबाउट पेज कैसे बनाना है उसके अंदर, या फिर यूट्यूब लिंक्स, अपने वेबसाइट की लिंक कैसे डालनी है, ये सारी चीज़ें, या फोल्डर्स कैसे बनाना है उसके अंदर, ये सारी चीज़ें हम अगले ट्यूटोरियल में सीखेंगे। तो चलिए हमने साइन इन किया, उसके बाद क्रिएट ऐप पर हमने क्लिक किया, और यहाँ पर अगला इंटरफेस जो आया है सबसे पहला देख लेते हैं। तो यहाँ पर जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले एंटर द जनरल इन्फो अबाउट योर ऐप। तो जनरल इन्फो में देखते हैं क्या क्या मांगा है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ऐप नेम डाल दिया है पहले ही ताकि समय बचे, और यहाँ पे रेडियो उड़ान मैंने लिख दिया है ऐप नेम में। यहाँ पर एक आइकॉन हमें देना है इस ऐप को, एक आइकॉन हमें अपलोड करना होगा। आपने देखा होगा प्ले स्टोर पर सारे एप्लीकेशन के नीचे स्क्रीनशॉट्स दिए रहते हैं, दी हुई रहती है उस एप्लीकेशन की, तो हमें भी एक स्क्रीनशॉट देना है। मैं सिंपली यहाँ से अपनी गैलरी में जाता हूँ, तो ये खुल गई मेरी शोरूम्स, यहाँ डिवाइस स्टोरेज, फोटोज में गया मैं, और यहाँ पे कैमरा पे जाता हूँ, और यहाँ से ये फोटो ले दोस्तों। तो यहाँ पर 96px साइज होनी चाहिए आपकी फोटो की, उससे ज्यादा ये सपोर्ट नहीं करता। तो यहाँ से मैंने गैलरी से उठाया है पिक्चर, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी लैंग्वेज यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश ही है, हिंदी नहीं है। तो आपको अगर हिंदी में भी ऐप क्रिएट करना हो, ये दरअसल आप किस भाषा में अपनी ऐप क्रिएट करना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। ये पॉपअप बटन है, यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे लैंग्वेजेस दिखाएगा, मगर हिंदी नहीं है। पर डोंट वरी, आपको हिंदी में भी अगर ऐप क्रिएट करना हो तो आप इंग्लिश को ही प्राइमरी रख करके आप क्रिएट कर सकते हैं, वो हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैंने अब फ्लाइट ऑफ लाइफ लिख दिया है। अब नेक्स्ट करते हैं। जी हाँ, तो ये अगला इंटरफेस आ चुका है, सेव हो रहा है, ये अगला इंटरफेस मिल चुका है हमें। दोस्तों यहाँ पर हमें Contrast. Color. Oh, that's
Modify design in detail. Row 3. Dot select the style for the app. Out of print. Select a style for the app. यानी कि हमें एक स्टाइल चूज करना है, तो मैं सिंपली यहाँ पे एक कलर चूज करना है, ऑरेंज, ऑरेंज को चूज कर लेता हूँ, और ऑरेंज को मैंने चूज कर लिया है, और यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। जी हाँ दोस्तों, हमें यहाँ पे अगला इंटरफेस मिल चुका है, तो दोस्तों यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है कि किस तरह का ऐप हमें क्रिएट करना है, जैसे कि टेक्स्ट ऐप है या रेडियो ऐप है या फिर किसी वेबसाइट के लिए एप्लीकेशन है, तो किस तरह का है वो हमें चूज करना है। देख लेते हैं सर्विस के लिए कोई एपीके क्रिएट करना है, ये हमें चूज करना है फिलहाल। कम्युनिटी के लिए करना है, वेब के लिए, ये रेडियो ऐप, वीडियो ऐप क्रिएट करना है, बस इतना ही है। तो हम आर्टिकल्स को चूज करेंगे, ये चूज कर लेते हैं, और यहाँ पर स्टेप 4 में हम पहुंच चुके हैं दोस्तों, ये सेकंड लास्ट स्टेप है। यहाँ पर अगर आपकी कोई वेबसाइट है, ये देखिए पूछ रहा है, अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो यहाँ पर आप दे सकते हो, हमारे पास तो नहीं है तो नो करेंगे, ठीक है, नो पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे सिंपली। तो यहाँ पर अगली इंटरफेस मिल चुकी है दोस्तों, यहाँ पर हमें सेक्शन क्रिएट करना है, टेक्स्ट एंड इमेजेस सेक्शन है, तो इमेज तो फिलहाल हम नहीं देंगे, इमेज का कोई काम नहीं है, तो हम टेक्स्ट लिखेंगे इसमें, ठीक है, यहाँ पर टाइटल डाल देता हूँ मैं, तो दोस्तों मैंने टेक्स्ट लिख दी है यहाँ पर, देखिए टेक्स्ट में मैंने अ फ्लाइट ऑफ लाइफ लिखा है, और यहाँ पर टाइटल में मैंने रेडियो उड़ान दोबारा लिख दिया है, तो हमें इमेज तो नहीं डालना है सेक्शन में, तो सिंपली हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों ये अगली इंटरफेस आ चुकी है, और देखिए विजर्ड कंप्लीटेड ऐप हैज क्रिएटेड, तो सक्सेसफुली हमने ऐप क्रिएट कर लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जस्ट एंजॉय। दोस्तों यहाँ पर ऐप हैज बीन क्रिएटेड विथ डेटा यू हैव एंटर्ड, नाउ गो टू ऐप मैनेजर एंड कंप्लीट इट। कंप्लीट इट इसलिए कह रहा है क्योंकि हमें इसमें एडिट करना होता है, तो एडिटिंग के लिए हमें ऐप मैनेजर से इस ऐप को पहले तो डाउनलोड करना होगा, तो स्वाइप करता हूँ लेफ्ट टू राइट, ये है ऐप मैनेजर, इस पर क्लिक कर देता हूँ मैं। दोस्तों ये 2 मिनट के बाद ही डाउनलोड होगा, 2 मिनट लगती है ऐप को क्रिएट होने में, तो आप ध्यान रखें 2 मिनट के बाद ही आप डाउनलोड करें ऐप मैनेजर को जा करके। मैं राइट स्वाइप कर रहा हूँ, ये जो बटन है ना डिस्कार्गर जो कह रहा है, ये डाउनलोड बटन है, डबल टैप करता हूँ इस पे, देखते हैं।
Facebook, Y0, Tweet button, Tweet, G+, Name, Radio Udaan, Description, A Flight of Life. देखिए दोनों चीज आ चुकी है. The application, HTML5, 2018 app create, the application is not yet available, try again in 1 minute, column 2, in print, 1 row, 2 columns. The application is not yet available, try again in 1 minute. मैंने जो बताया था, 2 मिनट लगता है ऐप को क्रिएट होने में, तो हम फिर से डाउनलोड पे क्लिक करेंगे. Connection is secure. Site information. More options. App creator 20. Make. Collect. Applic. Unit. Add. Support. Supply. New feed. Logout. Applic. Print. Display. General in. Sections. Displayable. Offices. Display. Products. Send note. Conversate. As. Statistics. The starter run. Out dash green. The starter underscore V underscore N. ये रही मिल गई, तो इस पर क्लिक करता हूँ. 20%. 100%. Download application. Open. Column. Y0, G+, name colon, description of the starter underscore, HTML5, the starter underscore N, column 2, and print, 1 row, 2 columns. Download button हमें मिल चुका है दोबारा से, तो इस पर क्लिक कर देता हूँ. 100%, this type of file can arm your device, do you want to keep app 5560.apk anyway, options available near bottom of the screen. यहाँ पर OK पे क्लिक कर देता हूँ. तो दोस्तों ये हमारी फाइल डाउनलोड हो रही है, तो लगभग 4 से 5 MB की APK बनती है, तो थोड़ा सा हम वेट करेंगे, उसके बाद हम इसे इंस्टॉल करेंगे और फिर मैं आपको इस पॉडकास्ट के अगले सेक्शन में लेकर के चलूँगा, जहाँ पर मैं आपको 2 और यूज़फुल एप्लीकेशंस की रिव्यू दूंगा. तो दोस्तों मैं बता दूँ, ये बहुत ही ईजीएस्ट प्रोसेस है एप्लीकेशन डिज़ाइन करने के लिए. आप इस प्रोसेस के थ्रू अपने रोज़मर्रा के ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन, खुद की एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकते हैं और किसी और की एप्लीकेशन यूज़ करने की आपको आवश्यकता नहीं है, जहां तक आप अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें, यहां से ऐप क्रिएट करके आप उसे यूज़ में ले सकते हैं. तो ये यहां से ओपन होगा नहीं वैसे, हमको फाइल मैनेजर में जाना होगा. तो फाइल मैनेजर में चलते हैं. फाइल मैनेजर, इन प्रिंट, 30 रोज, 5 कॉलम्स. एप्स में जाऊं मैं. हैश, 2018 अंडरस्कोर 12 अंडरस्कोर. बैक. एंटर. कैटेगरी. कैटेगरी. एप्स ओपन देयर फॉर यू. एप्स में जाऊंगा और यहां पर underscore 14.0.6.apk 5.85 MB tap 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 the basic item open parent is closed parent app 5560.apk 5.27 MB tap 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 comma 19/12/2018 8:45 PM. ये इसे ओपन करते हैं. डबल टैप किया मैंने just once और पैकेज इंस्टॉलर का इंस्ट्रक्शन आ रहा है, इस पर just once पे क्लिक कर दे रहा हूँ. unknown और इसे वेरीफाई किया जा रहा है गूगल प्ले प्रोटेक्ट के तरफ से. do you want to install this application? it does not require any special access. ये इंटरोगेशन आई है, तो इंस्टॉल पे क्लिक कर दूंगा मैं सिंपली. तो दोस्तों ये इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है, ये इंस्टॉल हो रहा है. इसे इंस्टॉल होने में लगभग 30 से 40 सेकंड लगता है, तो तब तक आप वेट करें. और आपको बताना चाहूंगा कि ये एप्लीकेशन एक बेसिक एप्लीकेशन है और इसे मॉडिफाई करना हम अगले ट्यूटोरियल में सीखेंगे, जैसा कि मैंने बताया. और अपने फीडबैक्स, अपने कमेंट्स आप ज़रूर मेल करके रेडियो उड़ान के मेल आईडी पर आप दे सकते हैं इस ट्यूटोरियल के बारे में. तो अब तक ये इंस्टॉल ही हो रहा है. और इस वेबसाइट की खासियत ये है कि आप न केवल इस वेबसाइट से ऐप बल्कि एप्लीकेशन के अलावा सॉफ्टवेयर्स भी क्रिएट कर सकते हैं, और सर्विसेज के लिए भी, बहुत सारी सर्विसेज के लिए जो ऑफिशियल सर्विसेज होती हैं उनके लिए भी आप एप्लीकेशंस बना सकते हो इस वेबसाइट की मदद से. तो ऐप इंस्टॉल हो चुकी है, यहाँ पर ओपन करेंगे. Done.
तो दोस्तों ये लोड हो रहा है स्टार्टअप इमेज में। और लोड हो चुका है, अभी होम पेज लोड हो रहा है। लोड हो चुका है होम पेज भी। यहाँ पर देखें दोस्तों दो अनलेबल बटन है, ये पहला अनलेबल बटन, ये दूसरा। तो ये पहला जो है ये शेयर के लिए है, देखिए देखिए यहाँ पे व्हाट्सएप, फेसबुक, सारी ऑप्शंस, तो ये सारी शेयर विथ, मेरी जो सोशल मीडिया एप्स इंस्टॉल्ड हैं उनकी लिस्ट आ गई, तो यहाँ से आप शेयर कर सकते हैं। और ये दूसरा जो अनलेबल बटन है ये नोटिफिकेशन का बटन है, इसके थ्रू आप नोटिफिकेशन देख सकते हो आपके ऐप में अगर कोई नोटिफिकेशन आती है तो। सपोज आप चैट करते हो इस ऐप के थ्रू किसी के साथ, तो नोटिफिकेशन जो भी आएगी आप यहाँ से देख सकते हो। देखिए ये टाइटल लिखा हुआ है और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। तो दोस्तों सक्सेसफुली हमने हमारा एप्लीकेशन डिज़ाइन कर लिया है, और कहीं ना जाएं, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे दो बहुत ही यूज़फुल और कमाल के एप्लीकेशंस के बारे में जो कि विजुअली इम्पेयर्ड के लिए बहुत ही यूज़फुल है और कारगर है। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप, या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो देखा हम ऐप डिजाइनिंग कर सकते हैं, चलिए एक शुरुआत ही सही, अपनी बहुत छोटी सी ऐप ही सही, लेकिन हम कर सकते हैं ये हमें आज पता लगा। और थैंक यू सूर्यकांता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी नॉलेज थी, बहुत अच्छा ट्यूटोरियल आपने हमारे लिसनर्स के साथ शेयर किया। लेकिन अब बात आती है कि इसको हम अपलोड कैसे करें, है ना। ये तो हमारी ऐप डिज़ाइन हो गई, लेकिन इसे लोगों तक कैसे पहुंचाएं ये हम जानेंगे अगले हफ्ते। फिलहाल हम चलते हैं एक और नई ऐप के बारे में जानते हैं। देखिए एक्चुअली हम स्लो इसलिए बता रहे हैं, थोड़ा थोड़ा इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो आप एक चीज़ के लिए, क्योंकि ये बहुत कोडिंग की जो बात है ना बहुत नाजुक है, एक कोड भी अगर हमसे इधर से उधर हो गया तो पूरा ऐप आपका या पूरी वेबसाइट गड़बड़ हो जाएगी, वो ओपन ही नहीं होगी ना, वो प्ले स्टोर पे ओपन होगी और ना ही कोई वेबसाइट आपकी किसी भी ब्राउज़र में ओपन होगी, तब हमें समझ ही नहीं आएगा कि हमने क्या गलती कर दी। इसलिए जितना टाइम होता है आप बिल्कुल लीजिए, बार बार ट्यूटोरियल सुनिए, लेकिन एक ऐप एक वेबसाइट ज़रूर डिज़ाइन करिए ताकि आपको पता तो लगे कि क्या वाकई में जो हम सिखा रहे हैं वो सच है या नहीं है, है ना। देखिए टेस्टिंग तो करनी चाहिए ना, हमने वो भी बताया आपको कि वेब टेस्टिंग होनी चाहिए, है कि नहीं। तो टेस्ट ज़रूर करिएगा, ऐप या वेबसाइट कुछ भी हो आप अपनी तरफ से डिज़ाइन करने की ज़रूर कोशिश करिएगा। चलिए अब बहुत बातें हो गई, चलते हैं डायरेक्ट सूर्यकांत जी की तरफ और देखते हैं एक और नया ऐप वो हमें क्या सिखाते हैं आज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेक के बाद एक बार फिर। और ब्रेक में जाने से पहले जैसे कि मैंने कहा था कि मैं वापस आऊँगा दो और भी बेहतर एप्लीकेशंस के साथ जिनकी डेमोंस्ट्रेशन मैं आपको दूंगा, तो मैं हाज़िर हूँ एक बार फिर बहुत ही यूज़फुल दो एप्लीकेशंस के साथ जो विजुअली इम्पैक्ट के लिए स्पेशली डिज़ाइन की गई हैं। तो दोस्तों ये दोनों एप्लीकेशन आपके डे टू डे लाइफ में काफ़ी हेल्पफुल होंगी, काफ़ी यूज़फुल होंगी, तो इनका ये ज़रूर आप प्रयोग करें और अपना फ़ायदा उठाएं। तो दोस्तों आप में से बहुत लोग होंगे जिनको करेंसी आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम आती होगी, इंडियन करेंसी रुपया उसे आइडेंटिफाई करने में बहुत सारी नोट्स हैं, जैसे 100 रुपीस की, 500, 2000, 50, 10, 20, ये सारे नोट्स पहचानने में, रिकॉग्नाइज करने में आपको ऑब्स्टिकल आती होंगी, प्रॉब्लम्स आती होंगी। तो इसी का सॉल्यूशन मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए एक एप्लीकेशन जिसका नाम है मनी रीडर। ये वर्चुअल आईज वालों की एप्लीकेशन है,
जो कि प्ले स्टोर पर रोल आउट की गई हैं, की जा चुकी है, और इसका दो वर्शन आपको मिल जाएगा। एक मनी रीडर फ्री वर्शन है और एक मनी रीडर प्रो है जो कि 850 रुपीज़ का है। आप प्रो के साथ ही जाएं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि इसकी जो फ्री वर्शन है वो काम नहीं करती है। फ़िलहाल मेरे पास फ्री वर्शन है जो मैंने इंस्टॉल कर रखा था, तो मैं डेमोंस्ट्रेशन उसी पर दे रहा हूँ, मगर आप इसके पेड वर्शन के साथ ही जाएं, आपको मैं रिकमेंड करूँगा। इस ऐप की मदद से आप किसी भी कंट्री में हो, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, या फिर जो भी इसमें लिस्ट दी हुई है, जिस जिस कंट्री का भी मैं दिखाऊंगा आपको, उन कंट्रीज़ में से आप जिस भी कंट्री में हो आप वहाँ की करेंसी आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं अपनी ऐप में। होम स्क्रीन 1 of 4, होम स्क्रीन 2 of 4। तो चलते हैं यहाँ मनी रीडर, मनी रीडर ये रहा, तो डबल टैप करता हूँ। Australia in list 19 items. Select your country out of list. Select your country. आप जिस देश में रहते हो उस कंट्री का नाम आपको यहाँ चूज करना है, अपनी कंट्री चूज करनी है। देख लेते हैं क्या क्या है। Australia, Bahamas, Bangladesh, Brazil, Canada, England, Europe, Hong Kong, India. अपना इंडिया है, मैं इंडिया से हूँ इसलिए इंडिया चूज करता हूँ। डबल डाउनलोडिंग इंडियास करेंसी फीचर पैक। अब यहाँ का जो करेंसी फीचर पैक है वो डाउनलोड हो रहा है। एक फाइल डाउनलोड करता है ये एप्लीकेशन और उसे एक्सट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है, ताकि आपके नोट्स ये पहचान सके। और ध्यान रहे आपका कैमरा का एक्सेस ये लेगा अभी, ये देखिए, देखिए कैमरा का एक्सेस मांग रहा है, टेक पिक्चर्स एंड रिकॉर्ड वीडियो, अलाउ कर देना है, तभी ये स्कैन कर पाएगा आपके नोट्स को। स्कैनिंग इंडियन रूपी, फ्लैशलाइट ऑफ। यहाँ पर होम स्क्रीन खुल चुकी है इस ऐप की, और इसका होम स्क्रीन मैं बता दूँ, कुछ नहीं है स्क्रीन में। जैसे ही आप ने फ़ोन के कैमरे के फोकस में नोट को रखते हैं तो आपके स्क्रीन पर वो नोट दिखाई देने लगता है, और ऊपर एक राइट टॉप राइट कॉर्नर पे एक बटन है, देखिए, फ्लैश लाइट ऑफ, ये देखिए, इसे आपको ऑन करना है आपको जब भी नोट स्कैन करना हो। तो इस पर डबल टैप कर देंगे, फ्लैश लाइट ऑन, ये ऑन हो गया। और फोन को उल्टा रख देना है, उल्टा इन द सेंस कैमरे का फोकस ऊपर की तरफ होना चाहिए, ताकि आप इसे टेबल पे आराम से रख दें और अपने नोट को कैमरे के ऊपर इसके कैमरे के फोकस में रख करके स्कैन करवा सके। स्क्रीन नीचे की तरफ रखना होगा आपको और कैमरे का फोकस ऊपर की ओर। तो चलिए कोशिश करते हैं, दिया इधर पे। अब मेरे पास कुछ नोट्स है 550 एंड 200 के, तो लेट्स डू दिस। ये देखते हैं कितने का नोट है। 50 इंडियन रुपीस बैक। एक और नोट ट्राई करते हैं, $200 Indian rupees back. ठीक है दोस्तों, ये दो नोट पहचान चुका है, एक 50 का था, एक 200 का था, और ये तीसरा नोट हम चेक करेंगे, $500 Indian rupees back. ठीक है दोस्तों, तो मेरे पास ये तीन नोट्स थे जो कि तीनों ही इसने रिकॉग्नाइज करके बताए, और ना सिर्फ नोट का नाम ये बताता है, बाकी आपने पीछे से पकड़ा है या फ्रंट से पकड़ा है वो भी बताता है। तो बहुत ही यूज़फुल एप्लीकेशन है, आप लोग ज़रूर यूज़ करें, मगर इसकी प्रो वर्शन यूज़ करें, आपको मैं रिकमेंड करूँगा बार बार। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा नाम है जी मेरा। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। आज ही अपने मोबाइल फोन पर प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप,
और सब्सक्राइब करें रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.radioudaan.com। हैप्पी लिसनिंग। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक और एप्लीकेशन की रिव्यू देने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही यूज़फुल है एक विजुअली इम्पैक्ट के लिए, डे टू डे लाइफ में काफ़ी मददगार है ये भी एप्लीकेशन। दोस्तों, आप में से कितने लोगों को सेल्फी लेने का शौक़ होता है? आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने ब्रदर सिस्टर्स के साथ सेल्फी लेना पसंद करते होंगे, मगर बहुत सारे विजुअली इम्पैक्ट ये सोच करके सेल्फ़ी नहीं लेते होंगे कि फ़ोटो तिरछा हो जाएगा या फ़ोटो नैरो हो जाएगा या इस तरीके का कुछ गलत क्लिक हो जाएगा फ़ोटो, तो ये हेजिटेशन होती है। तो दोस्तों, वो दिन चले गए, अब आपके लिए मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ, एक कमाल का एप्लीकेशन जिसके ज़रिए आप सेल्फ़ी भी ले सकते हो और उसमें पूरी तरह वॉइस गाइडेंस है, एक स्पेशल कैमरा जो कि विजुअली इम्पैक्ट के लिए स्पेशली लॉन्च किया गया है, और उस पर ना सिर्फ आप अपनी सेल्फीज़ बल्कि किसी और की फ़ोटो भी क्लिक कर सकते हो। तो दोस्तों, उस एप्लीकेशन का नाम है बैक कैमरा सेल्फ़ी, और इसकी प्रो वर्शन भी है, आप प्ले स्टोर पर सर्च करें, और फ्री वर्शन भी है। फ्री वर्शन में एड्स आती है, प्रो वर्शन में एड्स नहीं आती है, इतना ही फ़र्क है। तो चलिए चलते हैं अपनी एप्लीकेशन में। Accessible reader, in grid, 31 rows. Back camera selfie. ये रही, ओपन करता हूँ मैं, डबल टैप किया। Get back camera selfie pro. ओपन हो चुका है, इंटरफेस देखते हैं। Point front camera. 7950B89-3F16-47. देखिए, ये ऐड है। Get back camera selfie pro. ये भी ऐड है प्रो की। Info. ये इंफॉर्मेशन। Switch between front and back camera. ये जो है, ये एक स्विच है, इससे आप फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा के बीच में टॉगल कर सकते हो, और चेंज रेजोल्यूशन, यहाँ से आप रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हो अपनी पिक्चर्स की। फ्लैश, ये फ्लैश, जब भी आपको फोटो क्लिक करनी हो आपको यहाँ पे फ्लैश ऑन कर लेनी है अपनी। टर्न फोन एंड पॉइंट बैक कैमरा एट योर फेस, फॉलो वॉइस गाइडेंस, सेल्फी इज टेकन ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये गाइड कर रहा है कि फोन को टर्न करें और बैक कैमरा अपने फेस की ओर रखें। तो मैं चेंज रेजोल्यूशन अपनी एक सेल्फी लेता हूं, ये मैं फ्रंट कैमरा मैंने एक्टिव कर लिया है। बैक, स्विच बिटवीन फ्रंट एंड बैक कैमरा, फ्लैश, स्विच बिटवीन फ्रंट एंड बैक कैमरा, लेफ्ट, टर्न फोन एंड पॉइंट फ्रंट कैमरा एट योर Flash. Button. Point front camera at your face. Follow voice guidance. Selfie is taken automatically. देखिए, कह रहा है फ्रंट कैमरा अपने फेस पर पॉइंट करें, ये सेल्फी, और फॉलो करें वॉइस गाइडेंस, सेल्फी ऑटोमेटिकली ये ले लेगा। और फ्लैश ऑन कर लेता हूँ मैं, ये फ्लैश सिलेक्टेड, फ्लैश ऑन, ये ऑन ही है, अगर ना हो तो यहाँ से आप ऑन कर लें, टॉप राइट कॉर्नर पे फ्लैश बटन मिलता है। अब देखिए, मैं फेस के आगे फोन को रखता हूँ। डाउन डाउन अप डाउन डाउन लेफ्ट डाउन लेफ्ट अप लेफ्ट। जी दोस्तों, तो मैं वॉइस गाइडेंस फॉलो कर रहा हूँ। डाउन स्टॉप स्माइल, देखिए यहाँ स्माइल करना है, तो फोटो इसने क्लिक कर ली। और दोस्तों, मैं बताऊं, इससे खींची हुई जो भी फ़ोटोज़ हैं वो आपको अपने इंटरनल स्टोरेज या एसडी कार्ड अगर आप यूज़ करते हैं तो उसके अंदर बैक कैमरा सेल्फी नाम की एक फ़ोल्डर बनती है, वहाँ पर आप सारी पिक्स आप वहाँ से ले सकते हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये पूरी पॉडकास्ट, ये पूरा एपिसोड, आपके अपने दोस्त सूर्यकांत के साथ ज़रूर बताएं।
दोस्तों ये था आज का शो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का शो आपको बहुत ही जबरदस्त लगा होगा। इनफैक्ट आजकल जो शो चल रहे हैं वो आप सबको बहुत पसंद आ रहे होंगे, क्योंकि बहुत लिसनर्स की डिमांड थी कि हमें वेब डिज़ाइनिंग सिखाइए, हमें वर्डप्रेस सिखाइए, और एप्लीकेशन की तो खैर बहुत लोग चाहते भी हैं। इनफैक्ट कुछ लिसनर्स ने अपनी खुद ऐप बनाने की कोशिश भी की थी बीच में, तो वो चाहते थे कि हम उन्हें एक वे बताएं, एक प्रॉपर तरीका बताएं ताकि वो अपनी पसंद की एक ऐप बना सके और प्ले स्टोर पर अपलोड कर सके। iOS के ऐप में बहुत इश्यूज आते हैं क्योंकि वो बहुत परमिशन की प्रॉब्लम आती है। हमारे रेडियो रन के ऐप भी इसीलिए वो लोग अभी तक अप्रूव नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसमें छोटी सी भी मिस्टेक वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते। तो iOS की तो बहुत टफ है, लेकिन ठीक है, गूगल पे के लिए हमने एक ऐप बनाना सीखा, ये भी बहुत बड़ी बात है। अगले हफ्ते हम सीखेंगे कि इसे प्ले स्टोर में कैसे अपलोड करते हैं। चलिए अब मैं लेती हूँ आपसे विदा। जाने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और टेक्सिटी के शो सारे सुनिएगा। कहीं पर भी आपको कोई भी डाउट होता है बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं बेझिझक। मेरी मेल आईडी है meenal@radioudaan.com या फिर आप meenalsinghvi@gmail.com meenalsinghvi@gmail.com पर भी मुझे मेल करके अपने फीडबैक्स, अपने व्यूज, अपने ट्यूटोरियल सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट जो कि है www.radioudaan.com वहां पर जाकर फीडबैक कॉलम में भी टेक्सिटी को सेलेक्ट कर अपने व्यूज, अपने फीडबैक्स दे सकते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपको लगता है आप बिल्कुल हमें दीजिएगा, इसी से हमें पता लगेगा कि हमें आगे क्या करना है। ठीक है, चलिए यूट्यूब पर भी अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा क्योंकि वहाँ तो बहुत जल्दी हमें नोटिफिकेशन आ जाती है ऑन दिस 40, तो वो इनफैक्ट हमें नहीं सभी को मिल जाती है, तो बहुत अच्छी बात है। लोगों को भी पता लगता है कि लिसनर्स कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और इनफैक्ट वहाँ पर आपको तुरंत जवाब भी मिल जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है ना। तो चलिए अब मैं लेती हूँ आपसे विदा, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत 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 ध्यान रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर।